Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I'm Sumit. मैं जानती हूँ हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है पिछले 7 साल से. आप लोगों ने मेरे अप्स डाउन ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें देखी है. पिछले 6 से 7 महीनों से मैं एक चीज़ करने की कोशिश कर रही थी एंड वो टच वुड पूरी कंप्लीट हो गई है. एंड वो क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नवंबर और दिसंबर, क्योंकि वो जगह भी बन रही है. एंड वो चीज़ मेरी ड्रीम था एक बहुत अच्छा, कि मैं अपनी शादी से पहले उसको पूरा सेटल डाउन कर लूँ. एंड वो नवंबर या दिसंबर में जब रेडी हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में, फिर मैं आप लोगों को पूरी चीज़ दिखाऊंगी, इसी चैनल पर डालूंगी. बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ ब्लेसिंग. आप लोगों ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है. मैं कमेंट्स में जब रीड करती हूँ, गॉड ब्लेस सुमन, गॉड ब्लेस सुमन, वी प्रे फॉर यू, बट दिस इज़ लाइक अमेजिंग. एंड उसी लिए मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही थी पिछले 6 महीनों से. एंड अब मेरा लास्ट ट्रैवल आई गेस चंडीगढ़ में जा रही हूँ आज इस वीडियो को शूट करने के बाद. सो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे एक चैट बॉक्स है, वहाँ पे हम बहुत सारी गप्पे मारते रहते हैं, फूड अपडेट्स चलते रहते हैं. सो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ, यहाँ पे आ जाओ एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए. सो आज की वीडियो के टॉपिक पे हम बात करते हैं. सो आज का वीडियो है ब्राइडल डाइट एंड फेस्टिव डाइट. जिन जिन लोगों के घर में शादी है, जिनके फेस्टिवल्स बहुत अमेजिंग जाने और जिनको कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, सो ये जो डाइट है ये फास्ट वेट लॉस का डाइट है. इतने सारे कमेंट्स मुझे यहाँ पे रिसीव हुए हैं 10 kg 10 days में. इस डाइट से आप बहुत अच्छा नंबर वेट लॉस कर सकते हो, बशर्ते आपकी बॉडी इसके लिए रेडी हो. एंड दूसरी चीज़, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, आपका स्ट्रेस नहीं है, आपका ट्रैवल नहीं है. मैं ये डाइट करने की कोशिश करती हूँ, मैं लीन हो जाती हूँ, मैं पिक्चर्स डालती हूँ, आई गॉट अ लॉट्स ऑफ कमेंट. अगेन मेरा एक ट्रैवल आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जो मैं नवंबर और दिसंबर में आपके साथ शेयर करूंगी. बट इस अगर डाइट को आप पकड़ रहे हो तो मेक श्योर आपका ट्रैवल ना हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम हो, बिकॉज इट्स अ लो कार्ब डाइट. एंड उसके साथ साथ आपको अपने प्रोटीन का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में इनफ प्रोटीन ज़रूर जा रहा है. इस डाइट को करने के बेनिफिट्स क्या होंगे, आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका सिस्टम जो है वो डिटॉक्स हो जाएगा, आपके स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो आएगा, आपके इंचेस ड्रास्टिकली एकदम शेड होंगे. एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या आएगी इसके डाइट को करने के बाद, आपके जो पुराने कपड़े हैं जो आपको अभी नहीं फिट आ रहे हैं वो पूरे फिटेड हो जाएंगे. एंड सबसे अच्छी चीज़ इस डाइट के साथ क्या होगी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड अच्छे से काम करेगा. सो ये डाइट कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, चलते किचन में और बनाते हैं मॉर्निंग ड्रिंक. बट मॉर्निंग ड्रिंक से पहले मेक श्योर आप अपना वेट जो है वो चेक करेंगे एवरी डे. सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद बिना कपड़ों के, मैं 7 ईयर्स से बता रही हूँ, इनकेस अगर आपको सुबह उठ के बाउल मूवमेंट्स क्लियर नहीं हो रहे, देन जस्ट पास योर यूरिन, रिमूव योर क्लोथ्स एंड देन चेक योर वेट. उसके बाद भगवान का नाम लेंगे और चलते हैं किचन में और बनाते हैं हमारा मॉर्निंग ड्रिंक सुबह के 7:30 बजे. ओके, सो सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक के लिए हमें चाहिए बिल्कुल 1 से 2 चम्मच जितना एलोवेरा ताज़ा. अगर नहीं है ताज़ा तो आप 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जूस भी डाल सकते हो. ये मैंने निकाल लिया एलोवेरा का जेल. ये देखो, यहाँ पे मैंने पूरी लीफ ली थी तो ये वाला जो है मैं कल यूज़ करूँगी. नेक्स्ट ये रहा मेरे पास चुकंदर, इसको हम बहुत छोटा छोटा कट कर लेंगे. अगर आपको फिट रहना है मेक श्योर आप कुकिंग सीखो एंड चॉपिंग सीखो, ताकि किसी पर भी आपको डिपेंड ना होना पड़े. नेक्स्ट हमें लेना है ब्लेंडर, इसके अंदर हम डालेंगे हमारा एलोवेरा जेल. नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी मेरी पुदीना, ये है मेरे पास 5 से 7 पुदीना के पत्ते. नेक्स्ट मैं डालूंगी मेरा बीट रूट. मेरा ब्लेंडर थोड़ा ख़राब हो रहा है, मेरे पास पिछले 6 महीनों से ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं सोई भी नहीं हूँ. जो चीज़ मैंने बाय करी है और जो चीज़ बन रही है हमारी मेरी शादी से पहले, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी. नेक्स्ट इसको हमने ब्लेंड करना है बहुत ही अच्छे से. ओके, तो ये रहा हमारा मॉर्निंग ड्रिंक एंड ये बिल्कुल रेडी है. एंड ट्रस्ट मी, इससे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन जो है ग्लॉसी हो जाएगी, बहुत बहुत ज़्यादा, और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा बिकॉज इसमें बहुत अच्छे से एलोवेरा मैंने ऐड करा है. सो ये रहा हमारा मॉर्निंग ड्रिंक. वेलकम बैक जी. अब मॉर्निंग ड्रिंक के बाद, हमारी स्किन ग्लो की ड्रिंक के बाद, हमें चाहिए बहुत अच्छा सा फिलिंग वाला ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करेंगे हम. सो ब्रेकफास्ट का क्या है मेन्यू, चलते हैं किचन में और बनाते हैं. एंड टाइमिंग क्या होगी, 8:30 to 9 o'clock. ओके, नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं स्प्राउट सैलेड, हाई प्रोटीन सैलेड. उसके लिए मेरे पास यहाँ पे हैं बॉइल्ड मेरे स्प्राउट्स. इसमें मैंने ब्लैक चना और मूंगी की दाल दोनों ऐड करी हैं.
क्योंकि ये मैं सुबह सुबह बना रही हूँ और मैं चंडीगढ़ निकल रही हूँ और उससे पहले मैं यही खा के जाऊँगी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी मेरे प्याज। बहुत सिंपल सैलेड है और बहुत ईजी सैलेड है। नेक्स्ट टमाटर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट एंड नेक्स्ट हल्का सा मेरा चाट मसाला। इन सबको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एंड हियर वी गो, आवर ब्रेकफास्ट इज रेडी। नाउ ब्रेकफास्ट में जिन जिन लोगों को स्प्राउट्स नहीं खाना अच्छा लगता, जिन लोगों को नहीं पसंद हमें स्प्राउट्स नहीं खाना, तो मेरे चैनल पे दाल के चीले हैं, बहुत सारे दाल के चीले हैं। बेसन का चीला है, दाल का चीला है, मूंग दाल का चीला है, मसूर दाल का चीला है, ग्रीन मूंगे का चीला। आप इनमें से कोई भी चीला पिक कर सकते हो। साथ में अगर आपको चाहिए आपकी मिल्क टी एंड कॉफ़ी आप वो ले सकते हो, बट मेक श्योर इट शुड बी विदाउट शुगर। ओके जी, सो अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ मिड ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहती हूँ, एक नारियल पानी और उसके साथ कोई भी एक सीजनल फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी इस समय लोकली मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लंच की। नाउ लंच में मेरे चैनल पे मैंने बतेरी टिक्कीज़ की रेसिपी डाली हुई है, जो कि सारी की सारी है हाई प्रोटीन, उसमें ओट्स भी डाला हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लावर्स भी डाला हुआ है, फाइबर भी है, सैलड्स भी डली हुई हैं, अनियन टमाटोज, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इन चैनल से कोई सी भी आप टिक्कीज़ पिक करो और उसको आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, 3-4 टिक्कीज़, इन सारी टिक्कीज़ जो है वो हाई प्रोटीन है एंड इससे आपको वीकनेस भी नहीं आएगी और पूरे दिन की काम करने की क्षमता जो है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी में मैं अब आपको देना चाहती हूँ ऑरेंज पील टी या फिर हमारा अनार का पील टी। ये दोनों टीज ड्रास्टिकली वर्क करते हैं हमारे इंचेस लॉस पे एंड सबसे अमेजिंग चीज़ क्या होती है कि ये जो पील टीज होती है ये आपके स्किन को बहुत अच्छा काम करती है ग्लो करने का एंड आपके जो बेली फैट है और जो आपका लव एंगल्स है उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। सो इनकी जो रेसिपीज क्या है, इनकी जो रेसिपी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नाउ डिनर की। नाउ डिनर हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए सॉलिड सा जिससे नींद आ जाए, जिससे अच्छे खासा हम सो पाए। सो चलते हैं किचन में और बनाते हैं हमारे सीड मिक्स ओट्स। सो नेक्स्ट डिनर मैं बनाने जा रही हूँ, डिनर में मैं ले रही हूँ मेरे मल्टीग्रेन ओट्स। ये क्विकर के हैं, ये बहुत इजीली मिल रहे हैं, अमेजोन पे भी मिल रहे हैं, कई जगह पे मिल रहे हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं है। ऐसे ही मल्टीग्रेन ओट्स आपको कोई भी रोल्ड ओट्स इजीली मिल जाए कहीं से तो आप वो भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर डालूंगी इसके कम से कम 4-5 चम्मच। बहुत ही स्वाद बनते हैं, सच्ची बात है, बहुत स्वाद बनते हैं ये। ओके, थोड़ा सा डाल लेते हैं, परफेक्ट। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा मिल्क। ये मेरे पास जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरा कोकोनट मिल्क है जो मैंने घर पे बना रखा है। आप ओट मिल्क, आलमंड मिल्क, कैशू मिल्क, पिस्ताशू मिल्क, कोई भी मिल्क, डेयरी फ्री मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे सीड्स। दो पैकेट के ऊपर लिखा है कि ये इसके अंदर सीड्स ऑलरेडी इंक्लूड है, दस वाले मल्टीग्रेन में यहाँ पीछे लिखा हुआ है, बट मुझे और डालनी है। सो मैं इसमें डाल रही हूँ मेरे पम्पकिन सीड्स, मैंने अभी डाले सनफ्लावर सीड्स, सॉरी। नेक्स्ट मैं डालूंगी मेरे थोड़े से यहाँ पे है मेरे पास मेरे पम्पकिन सीड्स, वो भी मैं यहाँ पे डालूंगी। टड़ा, इसको बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रखूंगी, ठंडा ठंडा खाएंगे हम इसको। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा हनी, थोड़ा सा हनी मैंने इसमें डाला है, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ जी। चलो क्या जा रहा है, अमेजिंग। इसको मैं फ्रिज में लगाऊंगी कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, उतने में ही ये बिल्कुल सोक हो जाता है और बिल्कुल क्रीमी क्रीमी रहता है, कोकोनट का भी फ्लेवर आएगा कोकोनट मिल्क से। उसके बाद ये जो डिनर है आपका ये रेडी है। लुक एट दिस। अगर आपको ये खाने का मन नहीं है आप चिया सीड बाउल ले सकते हो, आप बैसल सीड बाउल ले सकते हो, मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी है। आप एप्पल एंड सिनेमन ओट्स ले सकते हो, मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी है। आप उनमें से कोई सी भी रेसिपी पिक कर सकते हो एंड बट बेस्ट इज दिस वन। और अगर ये सब भी खाने का मन नहीं है आपका देन आप क्या लेंगे, आप सूप्स ले सकते हो, मेरे चैनल पे उसकी रेसिपीज है, बट दिस वन इज मस्ट ट्राई, मस्ट 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 ट्राई। वेलकम बैक जी, अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। सो नाइट ड्रिंक ऐसा होना चाहिए जिससे नींद भी आ जाए बहुत अच्छे से और उसके साथ साथ आपको सुबह उठ के आपका वेट जो है वो कम दिखे और कॉन्स्टिपेशन भी ना हो। इसके लिए हम यूज़ करेंगे त्रिफला। यस, त्रिफला। नाउ त्रिफला का आधा चम्मच हम मिक्स करेंगे हाफ कप गर्म पानी में एंड उसको लेंगे। सो ये था हमारा पूरा डाइट एंड इसके साथ हम लेंगे
पानी, ना पानी कितना लीटर होना चाहिए, 2.5 से 3 लीटर का पानी इनफ है। सिप सिप करके पानी पियेंगे, 6, 6:30, 7 बजे के बाद 1 लिमिट तक पानी पियेंगे जितनी हमें प्यास है। झटके में ये नहीं कि पूरे, मेरे क्लाइंट्स क्या करते हैं पूरे दिन पानी नहीं पियेंगे, शाम को ऑफिस से आएंगे 6:30 बजे पानी पीना चालू करेंगे, 3 लीटर शाम को ही पी जाएंगे और अगले दिन उनका वेट आता है 1.5 किलो। अब तो बस बेचारे परेशान हो जाते हैं, हमने सब कराया, उनको समझ नहीं आ रहा मैं कितनी बार बोल रही हूँ पानी 6-7 बजे के बाद लिमिटेड पीना है। सो आई गेस दिस वीडियो इज़ यूजफुल, शेयर दिस वीडियो सबको जिनको ग्लोइंग स्किन चाहिए, जिनको अपना वेट लॉस ड्रास्टिकली करना है, और जिन जो लोग डीट हैं जिनको नहीं करना भाई वो नहीं करें, बट जिनको करना है वो ये वीडियो बहुत ईजिली कर सकते हैं। So yeah, that's it and I'll see you soon and thank you so much for blessings and thank you so much for lots of prayers and love and yeah, it's really mean a lot to me. Thank you so much. I'll see you soon in my next upcoming video. Take care, ji. Bye bye.